समस्त 13 जिले 166 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम प्रमुख नेताओं का जो ये सम्मेलन आज जनप्रतिनिधियों का बुलाया गया है, उसमें हमारे बीच में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारे प्रभारी राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर चंद्रमान जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय मालवीय साहब, राज्य मंत्री जल संसाधन सम्माननीय भाटी साहब, हमारे जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जयपुर जिले के प्रभारी सम्माननीय गोविंद राम मेघवाल जी, जयपुर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ के जो हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में गृह राज्य मंत्री आदरणीय यादव साहब, सम्मानित मंच और तमाम हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री साहिबान, विधायकगण, हमारे बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण, इन 13 जिलों में जो या तो निवासरत हैं या जो प्रभारी हैं उनको हमने आज यहां आमंत्रित किया है, हमारे जुबेर साहब एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, मैं गुजारिश करूंगा माफी चाहते हुए कि उनकी कुर्सी ऊपर लगे और वो एआईसीसी के सेक्रेटरी के नाते हमारे बीच में ऊपर पधारे। जुबेर साहब, तमाम जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, नगर परिषद के सभापति, नगर पालिका के सभापति, पार्षद साहिबान, हमारी आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले हमारे प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वर्तमान में सरपंच भी हैं, उन सबको हमने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय माकन साहब, इस हॉल की कैपेसिटी 1300 बताई गई, 1500 के लगभग तो इसमें जैसे तैसे आगे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर हॉल के अंदर या बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हैं। मैं उन तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से जो स्थान अभाव के कारण से अंदर नहीं आ सके, हालांकि हमने उनको आमंत्रित किया था, मैं उनसे माफी चाहता हूं कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि गर्मी का माहौल है लेकिन कार्यकर्ता जितने बुलाएंगे उससे आगे आएंगे, लेकिन जितने बुलाए उससे डबल आगे, इसके लिए हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी कमी रह गई। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते क्षमा प्रार्थी हूं। 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां एक महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई माकन साहब, और उस बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में वो संपूर्ण ब्यौरा साझा किया गया जो आज हम, आप और मुख्यमंत्री जी जो भी वक्ता बोलेंगे वो बताएंगे कि आरसीपी जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले हमारी सरकार में काफी प्रयास हुए, प्रमोद जैन भाई जी मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि हमने कैसे कैसे यूपीए सरकार के समय किस किस तरीके से हमने प्रयास किया, फिर वसुंधरा जी 2013-14 में जब आई तो उसके बाद में केंद्र में भी इनकी सरकार थी, यहां भी इनकी सरकार थी, उन्होंने लेट सही लेकिन प्रोजेक्ट बनाया और केंद्र की सरकार को पूरी तैयारी के साथ में भेजा,
और तब से लेकर के जब हमारी सरकार 2018 में दिसंबर में बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, हम सब मांग कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के बाद में भी यहां का जल संसाधन मंत्री होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जयपुर और अजमेर में प्रदेश की जनता से ओपन सभा में कमिटमेंट करने के बाद में भी आज तक 1% भी छोड़ के 1 पैसे का काम उन्होंने नहीं किया। और जब लगा कि यह महत्वपूर्ण परियोजना है लेकिन केंद्र की सरकार आंख मूंद के बैठी है, यहां का जल संसाधन मंत्री कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में यहां के 13 जिलों की महत्वपूर्ण पेयजल समस्या को देखते हुए, सिंचाई की समस्या को देखते हुए, किसानों की समस्या को देखते हुए, आमजन की समस्या को देखते हुए उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करके इस सिंचाई परियोजना को काम चालू करने का काम हाथ में लिया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इकाई हो चाहे केंद्र में बैठे हुए लोग हों, ये राजस्थान के हितों के साथ बराबर खिलवाड़ करते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी आज दिन तक सबको अनुनय विनय कर लिया, सब कुछ कर लिया लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको आंदोलन करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, केंद्र की सरकार को, यहां के मंत्री जो केंद्र में बैठे हैं, एमपी हैं जो यहां बन बन के गए हैं, उनको सबको झुकाने के लिए आपकी ताकत को हम लोग आगे बढ़ाएं, आपको ताकत दें और आपकी ताकत से वहां के लोगों की समस्या का समाधान कराएं। इस आह्वान के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको सबको बुलाया गया है, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मांकन साहब को बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए जाना है वापिस, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आऊंगा जरूर, और ये आए मैं इनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं क्योंकि दूसरे कार्यक्रम को छोड़ करके, लेकिन इनको 2 बजे की फ्लाइट से वापिस जाना है। तो हम सब जो भी वक्ता बोल पाएंगे बोलेंगे, आपसे जो भी कार्यक्रम होगा उसको आखिर में हम साझा करेंगे कि हमको किस प्रकार से करना है। मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट तरीके से पूरी बात बता पाएंगे, तो मैं तो पहले भी एक दिन बोल लिया था खूब, आज मैं ज्यादा इस विषय के ऊपर नहीं बोल करके अंत में कार्यक्रम की घोषणा जरूर आप सबके बीच में करना चाहूंगा, जिसको लेकर के हम जनता के बीच में उस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम जाएंगे। मैं तो आज तो आपसे आपका स्वागत करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और आपसे जो अंदर नहीं आ पाए उनसे माफी मांगने के लिए, और मेरे मीडिया के बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मांग को जिस तरीके से हम लोग उठा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा उससे 21 तरीके से उन जनता की समस्या को आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको सलूट करना चाहता हूं, क्योंकि ये राजस्थान का मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी की सरकार केंद्र में है, वहां 25 में से 25 सांसद हैं और यहां का जल संसाधन मंत्री है, उसके बावजूद भी ये लोग जिस तरीके की देश में आग फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लोग बात हमारे बजट घोषणा को इंप्लीमेंट नहीं हो इसके लिए कुप्रयास कर रहे हैं, उनकी हम सब लोग यहां निंदा भी उनके इस काम की करेंगे और हमारी क्या कार्य योजना होगी, हमारी सरकार क्या करेगी, हमारा संगठन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसकी रूपरेखा के लिए आपसे साझा करके और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उदयपुर डिक्लेरेशन में कहा था कि जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है और खून पसीना एक करके जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस मिशन में कामयाब होंगे, केंद्र की सरकार को झुकाएंगे, यहां के मंत्रियों को,
मैं आपको सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, गजेंद्र सिंह जी को इस मन से चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने जो ये षड्यंत्र रचा है कि राजस्थान की सरकार को श्रेय नहीं मिले, कांग्रेस की सरकार को श्रेय नहीं मिले, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। आपके जो गलत इरादे इस प्रदेश के लिए हैं उसमें कामयाब नहीं। आप जिसका मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, आपको इन 13 जिलों के लोग, वहां के एमपी और एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमर कसले अंदर नहीं घुसने देना है जब तक ये सीपी का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर दे। ये आह्वान करते हुए मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं आप सबसे पुनः माफी चाहते हुए कि वास्तव में बाहर काफी लोग हैं, वो हमारे महत्वपूर्ण है, लेकिन हम थोड़ी व्यवस्था नहीं कर पाए। हम थोड़ा उम्मीद से आप ज्यादा आए या हम व्यवस्था करने में नाकाम रहे, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है। आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन, सम्मानित मंच का भी स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद।